It's not just about who is who who is friend of us, who is the enemy of us, कौन ईरान का फ्रेंड है but it's also about the connectivity and the sanctions, the economic part. अगर किसी कंट्री पर सैक्शनस है, तो आपके पास जो लेवरेज है उनके साथ ट्रेड करने का वो लिमिटेड हो जाता है अगर ये सैंक्शंस ब्रॉड रेंजिंग है तो आपकी कंपनीज ईरान के साथ ट्रेड करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहेंगी ट इज दर प्रॉब्लम जो इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप में आप देखते हो जो ईरान को सेंस ऑफ बिट्रेयल है राइट सेंस नेगेटिव वोटिंग इन आई एन टू थाउजेंड फिफ फाइव एंड टू थाउजेंड सिक्स टाइम पीरियड दैट्स प्रॉब्लम है क्योंकि इनका परसेप्शन उस टाइम पीरियड से बना हुआ है दैट इंडिया इज नॉट फ्रेंडली टू ईरान जब जरूरत पड़ती है ईरान को तो इंडिया नहीं होता इंडिया वहां पर यूएस की बात मानता है एंड वाई नॉट देखिए यूएस इज अ मेजर प्लेयर फॉर एस तो वाई नॉट विल एक्सेप्ट देर एक्सेप्ट देर आर्ग्यूमेंट वाई नॉट विल एक्सेप्ट देर और ये परसुएशन काफी हैवी होता है बट इंडिया हैज टू ऑ ऑल्सो थिंक ऑफ इट्स ओन स्ट्रैटेजिक इटॉनोमी ऑफ कोर्स और उस लेवल पर भी हम जाएंगे धीरे धीरे विल ऑल्सो मूव टूवर्ड्स दैट बट एज ऑफ नाउ चैलेंजेस तो है यही आपने रिसेंट टाइम पीरियड में भी देखा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने विदड्रॉ किया ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से तब से दोबारा सैक्शंस लगने लगे और दोबारा इंडिया बैकफुट पर आने लगा बट स्टिल वी आर ट्राइंग काटसा सैक्शंस को डाइवर्ट करना चाहबार को डेवलप करना स्टिल इंडिया इज अटेम्प्टिंग इट्स बेस्ट टू डू अवे विथ ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज हमें पता है कनेक्टिविटी के हिसाब से यूएस के कंपेरिजन में भी ईरान इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी वॉन्ट प्रॉपर कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया एंड ऑल्सो टू यूरोप बट यहीं पर जो रोल है वो इज़राइल का भी है बिकॉज इसराइल एंड ईरान आर कैनिमीज आर रिलेशरानुड आर रिथ इसराइल आर ऑल्सो गुड ऑल्सो क्विट रॉबर्स्ट तो यहाँ बैलेंस की बात ईरान और इसराइल की रिलेशनशिप में भी आ जाती है नाउ इसराइल आप जानते ही हो इट गॉट इट्स इट्स ओन ज्यूश होमलैंड इन नाइनटीन फोर्टी सेवन फोर्टी एट अब इस टाइम पीरियड तक होता क्या है जो फलस्तीनियन लैंडमार्स है आज के टाइम पीरियड का पूरा इसराइल फलस्तीन्स के अंडर होता है फलस्तीनियंस का वो होमलैंड होता है और तब जियो को ध्यान आता है कि उनका एक होमलैंड था जिसको जहां पर उनको जाना है एंड दिस विल बी अ सेफ हेवन फॉर देम चाहे नाजीज का होलोकॉस्ट हो रहा हो या फिर जितनी यू यूरोप में उस टाइम पीरियड पर एंटी ज्यूश एक्टिविटीज़ हो रही हो सबके लिए इनका जो होमलैंड है वो इनका सल्यूशन रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये सेफली रह सकते हैं सो दैट्स वाई दे स्टार्टेड हैविंग दीज एक्टिविटीज़ इन ट्वेंटी सेंचुरी इट्सल्फ जब नाजी इसका होलो कॉस्ट होता है उसके पहले भी तो आप देखते हो कि ब्रिटिशर्स इनके इस सेटलमेंट में हेल्प करते हैं फलस्तीनियन होमलैंड में अब क्या करते हैं ब्रिटिशर्स सडनली यहाँ से इस एरिया से विड्रॉ कर जाते हैं जहाँ पर आज का प्रेजेंट डे इजराइल है एंड उसके बाद ज्यूज और फलस्तीनियंस में एक टसल आ जाता है हु रूल नाउ तो अब यूएन क्या करता है पार्टीशन प्लान अनाउंस करता है अब इस टाइम पीरियड पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप और ध्यान रख सकते हो जैसे 1917 का बेल फॉर डिक्लेन है पिकॉक्स अग्रीमेंट है और ऑल ऑफ दैट बट दैट इज सेकेंडरी मेन बात यह है कि यहाँ पार्टीशन प्लान अनाउंस होता है और अब ये कंसर्न आता है कि कैसे टू स्टेट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा लेकिन इसराइल इस सोल्यूशन को रिजेक्ट कर देता है और इन सारी चीज़ों को देखते हुए बिकॉज वी वर ऑब्जर्विंग दिस कंटिन्यूस ट्रेजेक्ट्री वैन वी वर फाइटिंग फॉर आर इंडिपेंडेंस एंड एनी हमारी जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है दैट हैज़ ऑल्सो माइनॉरिटीज एज मुस्लिम एज माइनॉरिटीज तो हम अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स को देखते हुए कांग्रेस के सेक्यूलर एजेंडा को देखते हुए एंड यहाँ पर इस पूरे मूवमेंट को देखते हुए डिसाइड दैट वी विल नॉट सपोर्ट दिस इज़राइली मूवमेंट दिस इज़राइली प्लान फॉर हैविंग जस्ट वन कंट्री एंड डू नॉट गिविंग फलस्तीनियंस देयर ओन कंट्री वी स्टिल वाउच फॉर टू स्टेट सोल्यूशन और आज भी इंडिया टू स्टेट सोल्यूशन की ही बात करता है राइट लेकिन कम से कम ये जरूर था दैट आफ्टर लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स जैसे 1947-48 में अरब इसराइल वॉर होता है अब आसपास की अरब कंट्रीज इसराइल को डिफीट नहीं कर पाती हैं बहुत सारी कंट्रीज़ को उसके बाद इसराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है दैट्स वाई इंडिया भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है इसराइल को 1950 के आसपास लेकिन ये लोग इसराइल को एक प्रॉपर एम्बेसी में नहीं खोलने देते हैं जैसे अगर आपको आपका कोई दोस्त पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी में आपको उससे दोस्ती करना पड़े तो आप दोस्ती तो कर लोगे बट उनके साथ ज्यादा सब्सटैंशियल लेवल पर टाइज नहीं रखोगे सिमिलरली आप यहां भी ऐसा करते हो अब ये चीज़ चलती जाती है लेकिन कहीं ना कहीं इसराइल के पॉलिटिशियंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इन्हें पता था कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन इसराइल झेल रहा है आसपास मुस्लिम कंट्रीज हैं बीच में जियूज़ हैं वैसे ही इसराइल को लगता था उनके परसेप्शन के हिसाब से कि इंडिया भी सेम प्रॉब्लम झेल रहा है क्योंकि यहां पर दोनों तरफ वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान है और उसके बाद वेस्ट में और जाओगे तो अफगानिस्तान है वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि इंडिया सिक्योरिटी लेवल पर इसराइल के साथ रेजोनेट कर सकता है इसलिए हमने अपने डोमेस्टिक कंपलशन की वजह से इसराइल में ओपन रिलेशनशिप नहीं रखा लेकिन उसके बावजूद जो कोवर्ट रिलेशनशिप है ये यहाँ पर कंटिन्यूड था इसको कहा जाता है कि फलस्तीन इंडिया के उस टाइम पर वाइफ हुआ करता था और इसराइल इनका एक पार्टनर हुआ करता था जिसके साथ इंडिया ने एक सीक्रेट अफेयर रख रखा था लेकिन ऑफ कोर्स आप जब भी ऐसा कोई अफेयर रखते हो तो उसे पब्लिक में तो रिलीज नहीं करते हो राइट तो ये जो अफेयर था ये सीक्रेट इन नेचर था इसी का एग्जाम्पल बहुत बार जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1980s में उसके के टाइम पर भी आया था जब गोल्डन टेम्पल पर अटैक होने वाला था तब यहां पर ऐसे भी डिस्कशन चल रहे थे कि इसराइल की हेल्प से जो सोल्जर्स हैं उनको एयर ड्रॉप करवाएंगे इस गोल्डन टेम्पल पर ताकि खालिस्तानियों को अकाल तक गोल्डन टेम्पल से बाहर निकाल सके इसके पहले सिक्सटी फाइव के वॉर्स में भी इसराइल ने हमें सपोर्ट प्रोवाइड किया था इनफैक्ट करगिल के वॉर में भी सपोर्ट प्रोवाइड किया तो दैट्स वाई जब नाइनटीन का टाइम पीरियड आता है और हमारा दोस्त सोवियत यूनियन यहाँ पर टूट जाता है और रशिया बन जाता है तब हमें रियलाइज़ होता है हमारे पास दोस्त कम है तो हम चलेंगे डाइवर्सिफ़िकेशन ऑफ फ्रेंड्स और जब ऑफ कोर्स हम ये करेंगे तो जैसा हमने देखा है हम इसराइल के साथ भी रिलेशंस को प्रॉपरली रखेंगे और अब इन्हें फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस का दर्जा देंगे जो रिलेशनशिप आज तक कोवर्ड था अब उसे धीरे धीरे रिकॉग्निशन उसे धीरे धीरे इज्जत मिलने लग जाती है तो यहाँ आप समझ लो कि एक टाइप पीरियड से एक सीक्रेट अफेयर जो चल रहा था अब इसके साथ एक एंगेजमेंट हो जाती है तो दुनिया को दिख जाता है कि हाँ ये दो कंट्रीज़ की आपस में एंगेजमेंट हो रखी है मतलब दे आर एंगेज फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन है अब उसके बाद क्या होता है रिलेशनशिप ऐसे ही चलता जाता है नाइनटीन में कारगिल वॉर वॉर के टाइम पीरियड पर अर्ली uh, जो आपके यूएवीज uh, होते हैं अनमैंड एरियल व्हीकल्स उनके थ्रू और एयर पावर के थ्रू अलग अलग मिसाइल uh, सिस्टम्स के थ्रू इसराइल इंडिया को हेल्प करता है और तब इंडिया को इजराइल की इंपॉर्टेंस और रियलाइज होती है लेकिन उसके बाद आता है कांग्रेस गवर्नमेंट का एरा और कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ कोर्स हेजिटेट होती है बिकॉज़ ऑफ देयर डोमेस्टिक फैक्टर्स अब जब मोदी एरा आता है तब दोबारा यहाँ पर इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप का डीहाइफिनेशन स्टार्ट हो जाता है अब तक ये डीहाइफिनेशन कभी नहीं होता देखिए अभी अगर आप इसके पहले चार स्टेप्स इसराइल के साथ लेते थे तो आप सोचते थे कि हम चार कदम फलस्तीनियन के साथ भी रहेंगे लेंगे राइट जैसे कि अगर आप अपने लवर को चार टॉफी देते हो तो सोचते हो कि इन्हें भी चार टॉफी दे कभी ये नाराज ना हो जाए राइट कभी आपकी जो यहाँ पर जिसके साथ जो आपका स्पाउस है वो नाराज ना हो जाए लेकिन अब क्या होता है डी मतलब अब हम इसराइल के साथ उनकी खुद की ट्स पे इंगेज करेंगे इसराइल हैज मच मोर टू ऑफर एस कम्पेयर टू फलस्तीन इसराइल की इकोनॉमिक पावर बहुत स्ट्रॉग है आज के टाइम पीरियड में इसराइल के पास इंडस्ट्रियल और हर एक लेवल पर एग्रीकल्चर लेवल पर इनोवेशंस हैं ये इनोवेशंस हम कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर सकते हैं इसराइल के पास डिफेंस पावर है इसराइल आर्म्स को यू एस और फ्रांस के कंपेरिजन में हमें बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पर बेच सकता है और ये साथ, -साथ दुनिया के हर डिफेंस सिस्टम के साथ कंपेटेबल है

इंगेज करेंगे इवन पलस्तीनियंस और जो पलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट बैंक में मैटर्स को देखती है ये भी यहां पर इस चीज के लिए अग्री कर जाती है कि ठीक है कोई बात नहीं यहां पर आप इसराइल से अपने खुद के टर्म्स में एंगेज कर सकते हो क्योंकि पीएलओ के चीफ महमूद अब्बास को भी यही लग जाता है कि देखो अगर इंडिया इसराइल के साथ अपने टर्म्स में इंगेज करता है तो इंडिया इसराइल को मना भी सकता है कि इसराइल फलस्तीन के लिए ज़्यादा फेवरेबल पॉलिसी रखे तो फलस्तीन के लिए भी नेगोशिएशन में अच्छा होगा ये पी एल ओ का पॉइंट ऑफ व्यू है ऑल दो हमास जो गाजा स्ट्रिप में रूल कर रही है आ, करती थी अब तो गाज़ा स्ट्रिप ऑलमोस्ट रेस कर दिया गया ग्राउंड पर इनका ये ओपिनियन नहीं होगा बट ऑफकोर्स आप समझ पा रहे हो कि अब जो हमारे रिलेशनशिप है वो इस टाइप से चलेंगे अब उसके बाद क्या होता है 2017 में एक मेजर विजिट होती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की अब इस टाइम पीरियड पर जो बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडिया इसराइल की पार्टनरशिप है इंडिया इसराइल मैरिज मेड इन हेवन स्वर्ग में बनी हुई हमारी मैरिज है तो अब ये सारी चीजें देखते हुए एक एक जो हमारा सिनारियो था पहले वाला वो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है पहले हमने इसराइल को एक सीक्रेट अफेयर की तरह ट्रीट कर रखा था और फलस्तियंस को हमारी वाइफ की तरह ट्रीट कर रखा था लेकिन अब जब मोदी गवर्नमेंट आई और यहाँ पर रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट किया गया रिकग्निशन के बाद यहाँ पर रिलेशनशिप में जितनी चीज़ें उन्हें रिकग्नाइज किया गया सो अब उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो इक्वेशन है वो रिवर्स हो गई है अब इसराइल हमारा हो सकता है स्पाउस बन गया हो और फलस्तीन एक सीक्रेट लव अफेयर बन गया हो इनफैक्ट सीक्रेट लव अफेयर भी क्या अब उस तरफ उतना ध्यान ही नहीं देना दे, दिया जाता बिकॉज फलस्तनियन मैटर को उनके आसपास के जो अरब पड़ोसी देश है वो भी भूल चुके हैं बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स ऑफकोर्स उनके भी कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं उनकी भी कुछ इम्पेरेटिव्स हैं लेकिन ऐसा हुआ है नो no डाउट फिर आप देखो 2018 के आसपास इंडिया यूएस का जो रिकॉग्निशन है जेरूसलम एज इसराइल कैपिटल इसको इसके अगेंस्ट वोट करता है दिस डिनोट्स कि इंडिया चाहे इसराइल से अच्छी रिलेशनशिप रख रह रहा हो चाहे हमने डिहाइफेनेशन कर दिया हो दैट डजेंट मीन दैट वी आर लूजिंग आर बैलेंस इंडिया कभी भी अपनी स्ट्रैटेजिक इटॉनमी और अपना बैलेंस लूज नहीं करता जो इंडिया को गलत लगता है उसके खिलाफ़ हम इंटरनेशनल फोरम्स में वोट करते करते हैं इस टाइम पीरियड के आसपास डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो सन इन लॉ थे जो खुद जीव हैं जायरेड कुशनर वो काफ़ी ज़्यादा इनको फोर्स कर रहे थे कि आप इसराइल के लिए और ज़्यादा फेवरेबल पॉलिसीज लो और फलस्तीन के मुद्दे को कम्प्लीटली इग्नोर कर दो सो दैट्स वाई दिस पीपल अनाउंसड दैट वी आर नाउ मेकिंग आर एम्बेसी एस जेरूसलम देखो इसराइल का जो जेरूसलम है वो ऐसा हिस्सा है जो डिवाइडेड है यहाँ इस जेरूसलम में वेस्ट बैंक में जो सिचुएटेड है क्रिश्चियंस भी रहते हैं ज्यूज भी रहते हैं और मुस्लिम्स भी रहते हैं और ये हमेशा कहीं ना कहीं क्राइसिस में रहा करता था सो दैट्स वाई दंगे वगैरह भी बहुत जल्दी होते हैं अलस अक्सा मॉक्स पर कुछ साल पहले ऐसी चीज़ें हुई सो दैट्स वाई ये जो हिस्सा है यहाँ पर कंट्रीज अपनी एम्बेसी नहीं रखती और इसे एज ए कैपिटल रिकोगनाइज़ नहीं करती क्योंकि इसके बहुत सारे हिस्से हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल है और जिसमें आज भी डिबेट है ये किसका है इसराइल का है फलस्तीनियंस का है पीएलओ का है किसका है सो दैट्स वाई लेकिन यहां ट्रंप ने सारे कंसर्न्स को

और जब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे तो इंडिया को क्या रहता है इंडिया खुद टेररिज्म का शिकार है इंडिया खुद जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेरर रखता है सो दैट्स व्हाई इस टाइप की जब चीजें आती हैं तो इंडिया उनको फेवर नहीं करता था अब आप उसके बाद की कहानी जानते ही हो ऑफ कोर्स यहां पर 2023 अक्टूबर में जराइल के ऊपर अटैक हो जाता है हमास अटैक कर देता है और उसके बाद इंडिया के लिए भी एक क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है तो इसको हम देखेंगे अभी लेकिन उसके पहले गाइज अन अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस है ये देखिए बाग में इंग्लिश मीडियम की क्लास चलती है अगर आप करोल बाग में हो तो एनी टाइम आकर इंक्वायर कर सकते हो इनफैक्ट बहुत अच्छी बैचेस है और इसके साथ साथ आपको पूरी काउंसलिंग भी मिल जाएगी एग्जाम के हिसाब से तो आप अगर ऐसे एग्जाम के हिसाब से आपको ट्रेजिक्ट्री भी जाननी हो तो उस पर्पज़ के लिए भी आ सकते हो और सेम हिंदी मीडियम के लिए मुखर्जी नगर में बैच चलेगी हेवी डिस्काउंट और इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी प्रयागराज की बैच है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेंगे देखो फाउंडेशन आपका स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ खुद से कवर कर लेंगे बुक से कवर कर लेंगे बट बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप सिस्टमैटिक वे में बुक से कवर नहीं कर सकते जैसे इकोनॉमी हुआ या इन्वायरमेंट हुआ या साइंस एंड टेक हुआ एंड नॉट जस्ट दिस किसी भी सब्जेक्ट इवन पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को भी जब आपको सिस्टमेटिकली कवर करना है और आपको जल्दी जल्दी अपना गैप ब्रिज करना है एक ऐसे पर्सन के कंपैरिजन में जो ऑलरेडी एग्जाम्स लिख चुका है और वो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए एग्जाम को लिख रहा है तो आपको एक इशू के आसपास और ढेर सारी चीजें पता होनी चाहिए उसका करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें जो कमिटीज ने बोला है अलग अलग चीजें जो लक्ष्मीकांत में नहीं होती है मिस आउट हो जाती है सो दैट्स वाई एक स्ट्रक्चरल वे में एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करते हुए पेशेंट्स के साथ इसलिए फाउंडेशन बैच बहुत जरूरी होती है और इस फाउंडेशन बैच ये जो तीनों कोर्सेज हैं इनका सेम ही स्ट्रक्चर है आपको तीनों की क्वालिटी सेम मिलेगी लेकिन इसके साथ-साथ आपके लिए एड ऑन फीचर्स हैं तीनों कोर्सेज में करंट अफेयर्स है सीसेट एंड एसए की प्रिपरेशन है टेस्ट सीरीज है फुल लेंथ सेक्शनल लेंथ इसी के साथ-साथ आपका रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा और मेंटरशिप भी आपको इसमें अवेल हो जाएगी ऑफ कोर्स मेंटरशिप इज अ क्रूशियल कंपोनेंट नाउ डेज और तीनों कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी करने के लिए विजिट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो और साथ साथ अगर ऐप डाउनलोड कर रहे हैं फॉर कंटेंट फॉर एनी इंफॉर्मेशन फॉर एनी ऑफर्स और एनी अपडेट्स तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो अगेन जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है सो लेट्स कंटिन्यू विथ हर इंडिया इसराइल डिस्कशन तो ये मैंने आपको एक टेबल के फॉर्म में इंडिया और इसराइल का पूरा जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब किया लेकिन थोड़ी बहुत डेट्स और थोड़ी बहुत जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो इसके अलावा यहाँ पर मैंशनड है जैसे हम नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करते थे तो ऑफकोर्स इसराइल इस टाइम पीरियड पर यूएसए का एक इंपॉर्टेंट

कश्मीर के केस में इसराइल का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल रहा है टाइम एंड अगेन चाहे करगिल हो 65 हो 71 का टाइम पीरियड हो या फिर इन जनरल 80s और 90s में कश्मीर में मिलिटेंसी को ख़त्म करना हो धीरे धीरे तो 90s में हम बहुत परेशान थे इस कश्मीर इशू से हमने मिलिटेंसी को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश की है वेव्स में दोबारा यह राइज़ करती है लेकिन इसके लिए जो कंट्रोल है उसमें इसराइल ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प किए बहुत सारे ऐसे मिलिट्री वेपन्स हैं जो हमें इसराइल से मिलते हैं जैसे एयर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम अवाक्स इनको फैल्किन सिस्टम्स बोलते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हेरॉन ड्रोन्स हैं जो अगेन हमें इसराइल से मिले एंड अदर देन दैस बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बराक इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो आप देख लो इसराइल से हमें बहुत सारे ऐसे वेपन्स मिलते हैं जो हेल्प कर सकते हैं अब ये वेपन्स इंडिया के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये वेपन्स इसराइल से आ रहे हैं चीपर कंपैटिबल इंडिया का जो डिफेंस का गैप है आत्मनिर्भरता में उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानीज़ को जो सपोर्ट मिला हुआ है यूएस के फाइटर जेट्स और पता नहीं कौन कौन से वेपन्स से उसको काउंटर करने की हेल्प कर रहे हैं राइट और इसके साथ साथ आप देख लो ट्रेड में भी बहुत इंपॉर्टेंट टेन बिलियन डॉलर्स का आज के टाइम पीरियड का ट्रेड है इसको पर्सपेक्टिव में रखो यूएस के साथ लगभग हमारा 60 बिलियन डॉलर्स का अकेले डेफिसिट हो जाता है लेकिन इसराइल का लैंड मार्क्स भी काफ़ी स्मॉल है तो उस हिसाब से 10 बिलियन डॉलर्स इज सब्सटेंशियल ईरान के साथ हमने देखा था हार्डली 2.5 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है मतलब जितना ईरान के साथ है उसके कंपेरिजन में इसराइल के साथ ऑलमोस्ट आप देखो कितना ज़्यादा ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑलमोस्ट फोर टाइम्स बिकॉज यहाँ पर कन्वर्जेंसेज बहुत ज़्यादा हैं और इसराइल की इकोनॉमी ओपन है काफ़ी ईरान की तो क्लोज है सैक्शन है तो डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी बहुत जरूरी है पार्टनरशिप्स के लिए इसके अलावा एग्रीकल्चर देखो एक पार्टनरशिप है इंडो इसराइल एग्रीकल्चर पार्टनरशिप उसके अंडर बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस है जो इसराइल हमारे ओपन करता है जिनको हम मशव सेंटर्स बोलते हैं ये हमारे फार्मर्स को ट्रेन करते हैं ड्रिप इरीगेशन स्प्रिंकलर इरीगेशन अलग अलग ऐसी चीज़ों में सो अगेन दैट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है हमने फंड्स बना रखे हैं जैसे आई फोर एफ फंड है इंडिया इज़राइल इंडस्ट्रियल इनोवेशन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड मतलब इंडस्ट्री के लेवल पर रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे इनोवेशन करेंगे इसके लिए फंड है इसमें इसराइल हमारी मदद करेगा इस टाइप के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और इनोवेशन के लिए अब इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन भूलना नहीं है ये सारी चीजें इसराइल की हमसे कहीं ज्यादा लेवल पर चाइना के साथ है अगर हमारे साथ ये कुछ ट्रेड करते हैं उससे कहीं ज्यादा लेवल पर ये चाइना के साथ ट्रेड करते हैं अगर हमारे साथ इनके इनोवेशन हैं काफी तो चाइना के साथ उससे भी कहीं ज्यादा है सो ये भूलना नहीं है लेकिन अभी अक्टूबर 2023 से जो भी चीजें हुई है उसके बाद आप देख रहे हो कि चाइना का रोल इसराइल के लिए कम हो गया देखो होता क्या है इजराइल हमारे साथ आगे मूव फॉरवर्ड करता है आई टू यू टू पार्टनरशिप में इंडिया इजराइल यूएई एंड यूएसए ये चीजें होती हैं अब इस पार्टनरशिप के साथ-साथ हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर आता है जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी के टाइम पर हमारी अब इससे किसको प्रॉब्लम होती है अगर ये कनेक्टिविटी हो जाती है इन तो ये बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा राइवल होता है चाइना so यहां पर जाकर ईरान को परेशान करेगा कि क्या हो रहा है इसराइल इतना राइज कर रहा है तुम्हारा जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो कुछ नहीं कर पा रहा तो ईरान रिटर्न में इसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जितने छुटपुटिए है लोग हैं चाहे हिजबुल्ला हिजबुल्ला तो वैसे बहुत पावरफुल है हमास है और इसके साथ साथ हुतीज है उनको तंग करेगा और फिर हमास यहां पर इसराइल पर अटैक कर देगा सो so, आप कहीं ना कहीं मोटिवेशन समझ पा रहे हो गे दिस मोटिवेशन अब इसके बाद से क्या इसराइल और चाइना के रिलेशनशिप स्ट्रैटेजिक लेवल पर उतने ही रॉबस्ट रहेंगे इकोनॉमिक लेवल पर येस देर आर रिलेशन लेकिन स्ट्रैटेजिक लेवल पर क्रैक्स हैं वो हम देख पा रहे हैं ऐसे ही डायस्पोरा का केस है देखो जब ट्वेंटी सिक्स एलेवन के अटैक्स हुए थे इंडिया में तो कुछ जियोज भी थे जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मारे गए थे बहुत सारे ऐसे जीव ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इसराइल में रहते हैं और बहुत सारे ऐसे जियज हैं जो इंडिया में रहते हैं सो ऑल ऑफ दिस डिनोट्स की एक डायस्पोरा का कनेक्ट है ऑफ़ कोर्स ये सऊदी अरेबिया और ईरान सऊदी अरेबिया के कंपेरिजन में कम है क्योंकि ब्लू कॉलर वर्कर्स उतने नहीं जा रहे लेकिन जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ज्यादातर हाई वैल्यूड इंडिविजुअल्स हैं, हाई सैलरीड इन्वेस्टमेंट वाले इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट का काफी पोटेंशियल है और साथ साथ इनका जो डायस्पोरा है जियोष डायस्पोरा इंडिया में जो एग्जिस्ट कर रहा है ये हमें इंडिया की अकोमोडेटिव पॉलिसीज के बारे में बताते हैं ये डायस्पोरा प्राइमरीली ट्वेंटी सेंचुरी में जब ये हॉलोकॉस्ट को विटनेस करे थे नाजीज का उस टाइम पीरियड पर आकर इन्होंने इंडिया में शरण ली थी और उनमें से फिर काफी सारे लोग यहीं रह गए थे सो दिस डिनोट्स इंडिया और क्यों इजराइल हमेशा इंडिया के लिए फेवरेबल पॉलिसीज रखता था हमने इन्हें प्रॉपरली रिकोगनाइज नहीं किया हमने इनके साथ जो रिलेशनशिप था उसको एक सीक्रेट अफेयर सॉर्ट ऑफ रखा फिफ्टी सिक्सटी 70s में उसके बावजूद दिस पीपल हैव बीन फ्रेंडली टू अस इन कोऑपरेशन इन डिफेंस कोऑपरेशन आल्सो बिकॉज ऑफ देयर मेंटालिटी बिकॉज दे नो दैट इंडियंस प्रोवाइडेड रिफ्यूज टू अस ड्यूरिंग आर टाइम्स ऑफ नीड एंड दिस मैटर्स अ लॉट फॉर पीपल फॉर सिविलाइजेशन ऐसे एकेडमिक कोलेब्रेशन है रिसर्च फंडिंग कोलाबोरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे और एजुकेशनल टाइज हैं जिनको स्ट्रेंथन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प लगेगी इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प लगेगी और इससे इंडिया को फायदा भी होगा सो दैट इज देर चैलेंजेस हैं जियो लेवल पर जैसे हमास का अटैक कभी भी चीजें चेंज हो जाती है तो जो भी प्रोजेक्ट साइन करते हैं अगेन उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है सो दे इज दिस इशू ऑफ स्टेबिलिटी है अब इसके साथ साथ इनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है जब हमास ने अटैक नहीं किया था तब भी इनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नेतन्याहू ने जुडिशरी की पावर्स को कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंस के आते आते कम किया था उसके इन्फ्लुएंस की वजह से और फिर लोगों ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था और जब डोमेस्टिक लेवल पर इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे तो कोई कंट्री श्योर नहीं होती कि इस देश के साथ हमें किस टाइप के रिलेशंस रखने चाहिए क्या इनके इस प्रोटेस्ट को फिर यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि लोगों का व्यू पॉइंट फिर आपके लिए जल्दी जल्दी बदलता है जब प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं सो दैट इज देयर अब इसके साथ साथ चाइना और जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं जैसे चाइना और रशिया का प्रेजेंस वो एक अलग चैलेंज बना हुआ है बट जब स्ट्रेटेजिक लेवल पर हम देखे रहे हैं कि इसराइल हमेशा यूएस की तरफ टिल्ट करेगा और अभी यूएस और इंडिया के लिए आपस में क्लोज आना इम्पेरेटिव ही है चाइना के राइस की वजह से दैट्स वाई इसराइल आपको हमारी तरफ भी टिल्ट करता हुआ दिखाई देगा सो so, ऑफकोर्स ये एक मेजर चैलेंज नहीं है लेकिन फिर भी बना हुआ है कहीं ना कहीं नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर इट हमारे बहुत सारे डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते और कहते हैं कि वेस्ट एशिया में हमने इसराइल की तरफ टिल्ट करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि यहाँ पर किसी का कोई भरोसा नहीं होता एंड सेकेंडली इसराइल खुद टू स्टेट सोल्यूशन से इवेड करता रहा है जो इस प्रॉब्लम का लॉजिकल सोल्यूशन था अब जहाँ पर इसराइल को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वैसे वैसे जैसे जैसे इसराइल कमजोर होता है वैसे वैसे इंडिया भी यहाँ पर वीकन पड़ सकता है इंडिया के ऊपर भी रिएक्शन आ सकते हैं कि आप भी इसराइल गवर्नमेंट के बहुत अच्छे एली हो सो so, ये सारे क्रिटिसिजम्स हैं कंसर्नस हैं बट एज वी कैन सी दीज आर नॉट दैट सब्सटैंशियल कंपेयर टू जो फ्यूचर पोटेंशियल है फ्यूचर पोटेंशियल इनोवेशन में डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है जिसको ऑफकोर्स हमें एक्सप्लोर करने की नीड रहेगी